रहमान इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एसबीएम स्कूल सिस्टम के प्लेटफार्म से तमाम तलबा और तालिबात को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का हमने टॉपिक लिया है न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट में भी अक्सर आया हुआ होता है। इस कानून के मुताबिक जब एक फोर्स किसी जिस्म पर अमल करती है तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा करती है। ये एक्सेलरेशन की मिकदार जो है फोर्स की मिकदार के हमारे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको मसावात की मदद से इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो इसको मैंने फर्जी नाम दे दिया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों मसावातों का जब मुवाजना करेंगे तो ए हमारे पास एक्सेलरेशन है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम के। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए हमें इसका कांस्टेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हमारे पास के है। के की कीमत ऐसे यूनिट में 1 होती है। इसको अगर हम दर्ज करेंगे तो के खत्म हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम आ जाएगा। फोर्स अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो फोर्स इज इक्वल टू एम को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है फोर्स के नीचे, तो एक्सेलरेशन के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ये था न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून। इसका ऐसे यूनिट न्यूटन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे प्लीज शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि हम मज़ीद भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। शुक्रिया।